हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, हैव ए नाइस डे फॉर यू। दिस इज़ द सेकंड चैप्टर ऑफ योर ईवीएस बुक, मूवमेंट ऑफ फैमिलीज। डियर स्टूडेंट्स, प्रीवियस जो वीडियोस थे उन वीडियोस के अंदर हमने इस चैप्टर को कम्प्लीटली अच्छे से डिस्क्राइब किया था, आपने इसको अच्छे से स्टडी की है। इस चैप्टर के अलग अलग जो पॉइंट्स थे, अलग अलग जो फैमिलीज थी, वो फैमिलीज किसी न किसी वजह से एक जगह से अपने नेटिव पैलेस से, अपनी जो उनकी रहने वाली जो जगह है वहाँ से वो दूसरी जगह शहर गांव की तरफ माइग्रेट हुई थी, ट्रांसफ़र हुई थी। उसके पीछे क्या कारण था, किस वजह से वो वहाँ गई, कौन कौन सी प्रॉब्लम्स उन्होंने वहाँ पर फेस की, उन प्रॉब्लम्स को उन्होंने किस तरह से सॉल्व किया, ये सारा का सारा हमने इस चैप्टर में स्टडी किया। अब आज के इस वीडियो में इन्हीं टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन आंसर्स हैं, उन क्वेश्चन आंसर्स को आज के इस वीडियो में हम क्लियर करेंगे। सो लेट्स कम विद मी एंड आंसर द क्वेश्चन आंसर ऑफ दिस चैप्टर। डियर स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज के इस क्वेश्चन आंसर्स के जो टॉपिक हैं इनके अंदर फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में है, व्हाट रीजंस आर मेंशन इन द चैप्टर फॉर पीपल लिविंग दियर होम्स, कि लोग अपने घरों को छोड़ करके जा रहे हैं, उसके पीछे रीजन क्या है, जो इस चैप्टर के अंदर वो कौन से कारण बताए गए हैं जिसकी वजह से लोग अपने घरों को छोड़ करके जा रहे हैं या अपने घरों से दूसरे गांव में, दूसरे शहरों में जा रहे हैं, उसके कारण क्या हैं। तो इसका आंसर हम करते हैं, यहाँ पर देखो आपके पास में स्पेस कम है ना, तो यहाँ पर हम इसको कम्प्लीट नहीं करें, हमारी रफ जो नोटबुक है उसके अंदर इसे कम्प्लीट करेंगे और आपको अपनी फेयर नोटबुक के अंदर इसे अपनी नीट एंड क्लीन हैंडराइटिंग में कंप्लीट करना है। डियर स्टूडेंट्स, उस क्वेश्चन का आंसर हम यहाँ पर कर चुके हैं, इसे एक बार हम डिस्क्राइब कर देते हैं। उसने वहाँ पूछे कि लोग अपने घरों को छोड़ करके क्यों जा रहे हैं, उसके पीछे क्या रीज़न है जो इस चैप्टर में मेंशन कर रखे हैं। तो उसका आंसर हमने किया, अकॉर्डिंग टू दिस चैप्टर, इस चैप्टर के अकॉर्डिंग दीज रीजन्स आर, कि वो कौन से रीजन्स हैं जिसे मैंने फर्स्ट यहाँ मेंशन किया, टू गेट हायर एजुकेशन, अच्छी एजुकेशन के लिए लोग अपने घरों को छोड़ करके जा रहे हैं, आई मीन दैट दूसरे घरों में या दूसरे शहरों में शिफ्ट हो रहे हैं, टू गेट बेटर ऑक्यूपेशन, एक अच्छे रोजगार के लिए दूसरी जगह रह रहे हैं, फिर दे रखा है टू स्टार्ट ए न्यू लाइफ आफ्टर बींग ट्रबल्ड बाई ए नेचुरल डिजास्टर, कि अगर किसी तरह से नेचुरल डिजास्टर आ जाता है, कोई प्राकृतिक आपदा आ जाती है, तो अपने आप को नए तरीके से या अपने जीवन को एक नए तरीके से शुरू करने के लिए भी लोग एक जगह से दूसरे जगह जाते हैं। जो हमारा इस चैप्टर के अंदर जो टॉपिक था उसके अंदर लास्ट वाले टॉपिक में हमने देखा कि एक बाढ़ के आने की वजह से पूरा गाँव शहर तबाह हो गया था और वो लोग अपने एक नए जीवन की शुरुआत करने के लिए माइग्रेट हुए थे। तो इस आंसर को हमने इस तरह से डिफाइन किया कि इस चैप्टर के अंदर मेंशन तीन रीजन थे, जिसके अंदर एक रीजन था हायर एजुकेशन का, दूसरा रीजन था अच्छे ऑक्यूपेशन का, बेटर ऑक्यूपेशन, और थर्ड था टू स्टार्ट ए न्यू लाइफ आफ्टर बींग ट्रबल्ड बाई ए नेचुरल डिजास्टर। ओके डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो को मैं थोड़ा सा यहाँ पर पॉज कर देता हूँ, थोड़ी देर के लिए स्टॉप कर देता ताकि आप इस आंसर को अच्छे से अपनी फेयर नोटबुक में कर पाएँ। अब बढ़ते हैं हम सेकंड क्वेश्चन की तरफ। हमारे सेकंड क्वेश्चन में देखा है, अपार्ट फ्रॉम द रीजंस मेंशन इन द चैप्टर, व्हाट अदर रीजंस माइट बी देयर फॉर पीपल माइग्रेटिंग मूविंग टू अदर प्लेस, मेंशन एनी फाइव सच रीजन। डियर स्टूडेंट्स, जो फर्स्ट क्वेश्चन था, फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर भी उन्होंने ये पूछा कि अपने घरों को छोड़ करके लोग जा रहे हैं, उसके पीछे कारण क्या है, और यहाँ पर इसने पूछा है मेंशन एनी फाइव रीजन्स, की वही पांच कारण आपको बताने हैं जिनकी वजह से लोग एक जगह से दूसरी जगह माइग्रेट कर रहे हैं। दोनों के आंसर सिमिलर भी हो सकते थे, लेकिन फिर भी मैंने इसको राइट डाउन किया, एक बार हम भी उसके ऊपर फोकस कर लेते हैं। दोस्तों, ये इसका आंसर हमने यहाँ पर किया, दीज रीजन्स आर मेंशन बिलो। मैंने वैसे आपको कहा था ना कि ये आंसर और जो फर्स्ट वाला क्वेश्चन का आंसर था दोनों सेम भी कर सकते हैं, लेकिन यहाँ थोड़ा सा चेंज करके मैंने इसको राइट डाउन किया है, आपको भी इसी तरह से अपनी फेयर नोटबुक के अंदर इसे राइट डाउन करना है। जिसके अंदर कुछ रीजन्स थे, उनमें कुछ फाइव रीजन्स यहाँ पर मेंशन किए। फर्स्ट रीजन मेंशन किया, टू गेट हायर एजुकेशन, अच्छी एजुकेशन के लिए जाते हैं। फिर नंबर टू, टू गेट बेटर मेडिकल फैसिलिटी, एक अच्छी जो मेडिकल फैसिलिटी है उसको लेने के लिए भी हम गाँव से शहरों की तरफ या शहरों से बड़े शहरों की तरफ माइग्रेट करते हैं। थर्ड दिया हमने, टू गेट बेटर ऑक्यूपेशन या जॉब, एक अच्छे जॉब, अच्छे रोजगार के लिए भी हम एक जगह से दूसरी जगह माइग्रेट करते हैं।
नंबर फोर की बात करते हैं, टू गेट ए गुड लिविंग स्टैंडर्ड, कि अपनी लाइफ स्टाइल को, अपने लिविंग स्टैंडर्ड को अच्छा बनाने के लिए भी लोग क्या करते हैं, गाँव से शहरों की तरफ या एक जगह से दूसरी जगह की तरफ ट्रांसफर करते हैं, माइग्रेट करते हैं। एट द लास्ट फाइव नंबर का जो पॉइंट लिखा, वो हमने लिखा फॉर मैरिज, शादी के लिए, या फिर एक तरह से मान सकते हैं आफ्टर गेटिंग मैरिज, शादी के बाद में जो गर्ल्स होती हैं वो अपने ससुराल शिफ्ट होती है तो उसको भी माइग्रेट का नाम देते हैं। तो इस तरह से फाइव रीजन मैंने यहाँ मेंशन की जिसकी वजह से लोग अपने एक शहर को छोड़कर के दूसरे शहर में, या गांव को छोड़कर के दूसरे गांव के अंदर, या अपने नेटिव प्लेस को छोड़कर के दूसरे प्लेस की तरफ ट्रांसफर करते हैं। इस तरह से हमने ये क्वेश्चन नंबर टू भी कम्प्लीट किया। अब हम क्वेश्चन नंबर थ्री की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर थ्री के अंदर, What problems do people face in getting settled at the other place? कि दूसरी जगह शिफ्ट होने पर जो प्रॉब्लम थी वो तो हमने दोनों क्वेश्चन में मेंशन कर दी। अब दूसरी जगह शिफ्ट हो रहे हो तो उसके अंदर कौन कौन सी प्रॉब्लम आपके सामने आएंगी, किस किस तरह की प्रॉब्लम को आपको फेस करना पड़ेगा, वो प्रॉब्लम्स हमें इस क्वेश्चन के आंसर में मेंशन करनी है। What problems do people face in getting settled on the अदर प्लेस, कि दूसरे शहर में, दूसरे गांव में, दूसरे एरिए के अंदर अगर आप शिफ्ट हो रहे हो, सेटल हो रहे हो वहां पर, तो कैसी कैसी प्रॉब्लम्स को आप फेस करोगे। सो लेट्स कम टू मी एंड आंसर द क्वेश्चन ऑफ नंबर थर्ड। ये हमारा क्वेश्चन नंबर थ्री का आंसर है, इन गेटिंग सेटल टू अदर प्लेस, कि जब हम दूसरे शहर के अंदर या दूसरी जगह में शिफ्ट होते हैं या वहाँ पर जाकर के बसने लग जाते हैं, रहने लग जाते हैं, मैनी प्रॉब्लम्स आर फेस्ड, बहुत सारे प्रॉब्लम्स का हमें सामना करना पड़ता है, सच एज, जैसे अरेंजिंग अकोमोडेशन, अकोमोडेशन का मतलब होता है रहने की जगह, तो मैं ब्रैकेट में आपके सामने रख दिया होम, कि अरेंजिंग अकोमोडेशन, रहने की व्यवस्था करना, अरेंजिंग फूड, खाने की व्यवस्था करना, फिर अरेंजिंग एम्प्लॉयमेंट, रोजगार की व्यवस्था करना, अरेंजिंग मेडिकल फैसिलिटी एंड एजुकेशन, मेडिकल फैसिलिटी और एजुकेशन की भी व्यवस्था करना। तो ये सारी की सारी जो प्रॉब्लम्स हैं ये हमारे सामने होती हैं जब हम एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर्ड होते हैं। इस तरह से ये क्वेश्चन नंबर वन, टू और थ्री भी हमने कंप्लीट किया। अब हम जो हमारे रिमेनिंग जो एग्जामिनेशन टाइप क्वेश्चंस हैं 1 to 5, उनको भी कंप्लीट कर लेते हैं। एग्जामिनेशन टाइप जो क्वेश्चंस हैं उसके अंदर फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है, व्हाट प्रॉब्लम शुड बिट्टू हैव फेस्ड व्हेन ही मूव टू अनदर विलेज, कि जब बिट्टू का परिवार अपने गांव से दूसरे गांव में जा रहा था या गया था तो वहां पर उनको किस तरह की प्रॉब्लम का सामना करना पड़ा। फर्स्ट ऑफ ऑल तो इसमें देखो प्रॉब्लम, इसमें क्वेश्चन के अंदर दो तरह के क्वेश्चन एक साथ में पूछ लिए, लेकिन स्पेशली जो हम टेंस की बात कर रहे हैं तो इसके अंदर पास्ट टेंस को यूज किया, तो हम बता सकते हैं इसके अंदर ये पहले अपने प्रीवियस गांव, नेटिव विलेज, बिट्टू का जो गांव था उसकी बात कर रहा है, या ये नहीं कि यहाँ जहाँ पर वो शिफ्ट हुए वहाँ की बात कर रहा है, नहीं, बिट्टू का जो गाँव था उस गाँव की बात कर रहा है, कि उस गाँव में बिट्टू की फैमिली को किन किन प्रॉब्लम्स को या कैसी कैसी परेशानियों को सामना करना पड़ा जिसकी वजह से बिट्टू का जो परिवार था वो उस गांव को छोड़ करके दूसरे गांव चला गया। तो दोस्तों देखते हैं इसके अंदर हमारे चैप्टर के अकॉर्डिंग क्या प्रॉब्लम्स दे रखी थी बिट्टू की फैमिली के लिए उस गांव में। ये हमने इसका आंसर किया, लैक ऑफ वाटर, लैक ऑफ वाटर, पानी की कमी, किसी लिए, फॉर एग्रीकल्चर एंड ड्रिंकिंग, पीने के लिए और खेती के लिए पानी की कमी होना, ये प्रॉब्लम थी उस गांव के अंदर। लैक ऑफ सूटेबल ऑक्यूपेशन और जॉब, वहां पर अच्छा रोजगार या अच्छा काम धंधा उनका नहीं चल रहा था, ये भी उनकी प्रॉब्लम थी। वर मेन प्रॉब्लम्स इन बिट्टूज विलेज, ये मेन समस्याएं थी बिट्टू के गांव के अंदर जिसकी वजह से उनको गांव छोड़ करके दूसरी जगह शिफ्ट होना पड़ा। ये हमारे एग्जामिनेशन टाइप जो क्वेश्चंस थे उसके अंदर फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर कंप्लीट हुआ। डियर स्टूडेंट्स, अब हम क्वेश्चन नंबर टू की तरफ चलते हैं। ये हमारा क्वेश्चन नंबर टू, हैव यू मूव्ड फ्रॉम योर नेटिव प्लेस टू अनदर प्लेस, कि क्या आप अपने स्थानीय जगह से जहाँ आप रहते हैं वहाँ से आप दूसरी जगह कभी गए हैं? इफ़ यस, अगर हाँ गए हैं, देन राइट डाउन द रीजन्स, क्यों गए हैं कि आप वहाँ पर गए क्यों, कि मतलब ये अपनी जगह को छोड़ करके आप दूसरी जगह क्यों गए उसका कारण बताएं। एंड द प्रॉब्लम्स योर फैमिली एक्सपीरियंस्ड वेल डूइंग सो, और आपके परिवार को या आपको किस तरह की प्रॉब्लम का सामना करना पड़ा वो भी आप बताएं। तो इसका आंसर हम यहाँ पर करने वाले हैं। डियर स्टूडेंट्स, इसका आंसर मैंने यस में लिखा क्योंकि नो के अंदर तो आंसर खत्म ही हो जाता है कि जब हम गए नहीं अपनी जगह से दूसरी जगह तो हम किस तरह की प्रॉब्लम को फेस करेंगे, क्या रीजन से, तो नो का आंसर बन ही नहीं रहा था, सूटेबल आंसर नहीं बन रहा था। तो मैंने इसको यस में आंसर किया है, यस, कि मैं दूसरी जगह गया था। माई फैमिली केम फ्रॉम माई नेटिव प्लेस टू सिटी फॉर माई स्टडीज़, कि मेरा जो परिवार है वो मेरी स्टडी के लिए, नेटिव प्लेस का मतलब अपने स्थानीय जो जगह थी जहाँ हम रह रहे थे वहाँ की बात कर रहे हैं। माई फैमिली केम फ्रॉम
नेटिव प्लेस टू सिटी फॉर माई स्टडीज़, कि हमें मेरी पढ़ाई के लिए, मेरी शिक्षा के लिए मेरा परिवार गांव से शहर की तरफ आया। एंड माई फैमिली हैड अलॉट ऑफ ऑक्यूपेशन प्रॉब्लम्स हियर, और मेरे परिवार को बहुत सारी किसकी प्रॉब्लम्स, ऑक्यूपेशन की जो प्रॉब्लम थी उसका सामना करना पड़ा, या यहाँ पर भी कह सकते हैं अलॉट ऑफ ऑक्यूपेशन की जगह जॉब्स प्रॉब्लम्स भी कर सकते हैं, कि मेरे परिवार को यहाँ पर प्रॉब्लम्स किसकी हुई थी, जॉब की प्रॉब्लम हुई थी, ऑक्यूपेशन उनको प्रॉब्लम हुई थी। ओके डियर स्टूडेंट्स, इस तरह से सेकंड वाला आंसर भी हमने कंप्लीट किया। अब हम थर्ड नंबर पर चलते हैं। डियर स्टूडेंट्स, यहाँ एक स्टूडेंट लाइफ को यहाँ इसने थोड़ा सा मेंशन कर रखा है, देखते हैं। मेंशन एनी वन प्रॉब्लम विच कैन ऑकर इफ ए फैमिली मेंबर ऑफ योर फैमिली गोज आउट ऑफ सिटी टू गेट एजुकेशन, की एजुकेशन के लिए, जस्ट ओनली फॉर एजुकेशन के लिए, कि अगर कोई आपकी फैमिली से बाहर गया है या शहर की तरफ गया है, तो उसे किस तरह की प्रॉब्लम्स या किस तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है, तो उसका आंसर हम यहाँ पर लिखने वाले हैं। डियर स्टूडेंट्स, स्टडी के लिए हमें माइग्रेट होना पड़ता है, अपने गांव से अपने शहर की तरफ आना पड़ता है, शहरों से हमें बड़े शहरों की तरफ भी जाना पड़ता है। इफ एनी मेंबर ऑफ द फैमिली गोज आउट टू स्टडी, देन, कि अगर कोई भी परिवार का सदस्य स्टडी के लिए बाहर जाता है, तो ही और सी, चाहे वो लड़का हो चाहे लड़की हो, हैज़ टू फेस द प्रॉब्लम्स ऑफ कुकिंग, तो उसको वहाँ खाने की प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, क्लीनिंग यूटेंसिल्स, अपने बर्तनों की, जो खाना खाने के बाद जो बर्तन होते हैं ना, उनकी सफाई की प्रॉब्लम्स हो सकती है, वॉशिंग क्लॉथ्स, इसकी भी प्रॉब्लम हो सकती है, मार्केटिंग की प्रॉब्लम हो सकती है, एटसेट्रा लिखा ना, कि और भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स के सामने फेस हो सकती हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, इसका आंसर हमने किया कि फैमिली का कोई भी मेंबर अगर बाहर जाता है स्टडी पर्पज़ के लिए, तो वहाँ पर नई जगह पर उसे किस तरह की प्रॉब्लम्स हो सकती है, कुकिंग की हो सकती है, क्लीनिंग यूटेंसिल्स की हो सकती है, वॉशिंग क्लॉथ्स की हो सकती है, ये तीन प्रॉब्लम मैंने यहाँ मेंशन की, और भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। लेकिन डियर स्टूडेंट्स, आजकल की जो मेट्रो सिटी हैं या जो बड़ी एजुकेशन हब जिनको हम बोल सकते हैं, उन सिटीज़ के अंदर हॉस्टल फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करवाई जाती है, जिनके अंदर ये प्रॉब्लम्स सामने नहीं आती। ओके डियर स्टूडेंट्स, तो यहाँ एक क्वेश्चन का आंसर करना था, इसलिए हमने इन प्रॉब्लम्स को यहाँ पर मेंशन किया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 4 है, वेयर इज द सोमनाथ टेम्पल सिचुएटेड, और नंबर 5 दे रखा है, नेम ए डैम बिल्ड इन गुजरात स्टेट। दोनों क्वेश्चन हमारे जीके से रिलेटेड हैं, तो इनके आंसर हम चेक कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा जो 4 था, उसके अंदर लिखा था सोमनाथ टेम्पल। क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर क्या था, सोमनाथ टेम्पल कहाँ है, जिसका आंसर होगा डूंगरपुर। सोमनाथ टेम्पल कहाँ है, डूंगरपुर में। और नंबर 5 का जो क्वेश्चन था, उसमें लिखा हुआ था गुजरात के अंदर डैम, उसको हमें बताना है, तो गुजरात वाले डैम का नेम क्या है, कांडा डैम। डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो के अंदर क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 को हमने कंप्लीट किया, ये क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर, ये यहाँ पर हमने क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर कंप्लीट किया, और इसी तरह क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर भी हमने कंप्लीट किया। और उसके बाद में एग्जामिनेशन टाइप जो क्वेश्चंस थे, उनके अंदर क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, 4 एंड 5, इन क्वेश्चंस के सभी आंसर्स हमने कंप्लीट किए। डियर स्टूडेंट्स, आपको अपनी अच्छी हैंडराइटिंग में नीट एंड क्लीन होमवर्क अपनी फेयर नोटबुक में कंप्लीट करना है। आज ही हमारा सेकंड चैप्टर मूवमेंट ऑफ फैमिलीज कंप्लीट हुआ। हैव ए नाइस डे फॉर यू। थैंक यू सो मच।